नमस्कार, मैं हूं दीपक पाल और स्वागत है आप सभी का सीएन न्यूज़ में। अपने बयानों से सबकी बख्या उधेड़ने वाले गिरिराज सिंह ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। जी हां, दरअसल इस बयान में ऐसा लग रहा है मानो उनके रिटायरमेंट के दिन नज़दीक आ गए हों। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट देने के संकेत दिए हैं। गिरिराज सिंह ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर में कहा कि उनकी राजनीति पाली अब खत्म होने वाली है। गिरिराज सिंह ने बताया कि मेरा आधा काम पीएम मोदी ने पूरा कर दिया है और मैं मंत्री और विधायक बनने के मकसद से राजनीति में नहीं आया था। ऐसे में आपको बता दें कि ये वही गिरिराज सिंह है जिन्होंने हाल फिलहाल के लोकसभा और राज्यसभा में अकेले अपने दम पर विपक्षों को करारा जवाब दिया था और ओवैसी जैसे कई कद्दावर नेताओं से अकेले भिड़ने की हिम्मत भी दिखाई थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मेरी राजनीति का मकसद ये था कि जहां बलिदान हुए वहां मुखर्जी और वो कश्मीर हमारा हो गया। बेगूसराय सांसद ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा कर दी थी। मोदी जी की ये पाली मेरी राजनीतिक जीवन की आखिरी पाली है। गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर में इस सम्मेलन में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 5 वर्षों में हम सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद राजनीति करने का हमारा क्या उद्देश्य होगा। आपको बताना चाहिए, गिरिराज सिंह वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। वो केंद्र की एनडीए सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री रहे। इससे पहले वो बिहार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह की पहचान कद्दावर हिंदू नेता के तौर पर होती है और वो विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट के संकेत देने वाले गिरिराज सिंह के इस बयान से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के लिए बड़ा झटका ही माना जा रहा है। ऐसे में दर्शक, गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए संकेत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग अच्छी न्यूज़ को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।